वेलकम टू स्टार एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं तो आपके लिए एक गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन निकला है। इंडियन नेवी के अंदर गवर्नमेंट जॉब निकला है और अगर आपकी एज 18 से लेकर 23 साल है तो इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, यस, इंडियन आर्मी जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी के अंदर आपकी वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, नेवी के अंदर आपको अच्छा पेमेंट मिलेगा और यहाँ पर अपना जो मन की इच्छा है नेवी के अंदर जाने के लिए, तो नेवी ऑफिशियल अपडेट आप सभी के लिए मैं अभी आपके सामने पूरा अपडेट आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेवी के लिए पूरा आपको अपडेट मिलने वाला है। क्या पोस्ट है, क्या सैलरी है, उनकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने दे रखा है दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने दे रखा है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर क्या है क्या नहीं है पूरी जानकारी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो आपकी पेमेंट क्या रहने वाली है, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से रहने वाला है, वो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आप सभी के लिए मैं बता देता हूं आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। वैकेंसी की बात करें, देखिए इसके अंदर आप मैरिड यानी आपकी शादी नहीं हो रखी हो, बिना शादी के आप फॉर्म भरना है, पहली चीज है। वैकेंसी यहाँ पर अच्छी पोस्ट है, यहाँ पर 500 AA की 500 और SSR की 2000 है। कुल आपकी जो वैकेंसी है वो है 2500 की वैकेंसी है। अब दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहले आपको जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन क्या है वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको क्या क्या। दोस्तों, कॉल AA की बात करें, यहाँ पर आपके लिए 12वीं पास है और कम से कम आपको 100 में से 60% और उसके अंदर केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस होना जरूरी है, सबसे पहली बात है। और गवर्नमेंट से पास होना, अगर आप गवर्नमेंट से पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद SSR के अंदर भी 10+2 12वीं पास है और उसके अंदर मैथ, फिजिक्स और 1 ईयर के लिए केमिस्ट्री, बायो, यानी सेम जो इसके और इसके अंदर दोनों के अंदर कोई डिफरेंट नहीं है। और दोस्तों, आपकी एज लिमिट है यहाँ पर आपको 2002 से लेकर 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, पहली चीज ये बात है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2005 और 2000 के बीच में तो आप यहाँ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं और अच्छे से आप इसे जॉब कर सकते हैं, वो चीज़ अच्छी जॉब है दोस्तों आप सभी के लिए। पेमेंट यहाँ पर अच्छा मिलने वाला है आपके लिए। उसके बाद आपका पेमेंट है यहाँ पर 69,000, 6,900 आपका पे ग्रेड है पेमेंट। उसके बाद में आपका देखेंगे अलग MR वगैरह, 3600 पे ग्रेड, अलग अलग लंच करके आपको जो 21,700 है उसका आपको 35,000, देखिए 21,700 उसके साथ साथ में 5200 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाले, 3600 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो ये आपका जो आपका पेमेंट है वो पेमेंट आपका अच्छा रहने वाला। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 47,600 रुपये ये देखिए आपका पे ग्रेड आपको मिलने, पेमेंट आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ में 5,200 इसके अंदर ऐड करेंगे तो देखेंगे दोस्तों 52,000 आपकी सैलरी, कुल मिला के 52,000 आपकी सैलरी पुट ऑफ होने वाली है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए क्या रहने वाला है, उसके बाद देखेंगे आपका क्या होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आपका एग्जाम्स होने वाला, यहाँ पर दे रखा है एग्जाम कैटेगरी और आपका एग्जाम्स होगा, क्या होगा दोस्तों, एग्जाम्स रहने वाला है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपकी परीक्षा होगी, बिल्कुल आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। और चलिए, और जो लेवल है 10+2 का आपका लेवल रहेगा। उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, क्या होगा दोस्तों, आपका फिजिकल है। फिजिकल के अंदर क्या है, फिजिकल के अंदर आपकी 1.6 किलोमीटर दौड़ है, 7 मिनट नॉर्मल है, सभी पास करते हैं, क्या करते हैं, सभी पास करते हैं। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, नॉर्मल मेडिकल है, 6x6 आंखें होनी चाहिए। और ट्रेनिंग पीरियड आपका, देखिए ट्रेनिंग पीरियड जो आपका फरवरी 2022 में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी दोस्तों, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग है फरवरी के अंदर, ट्रेनिंग पीरियड आपकी शुरू हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना। अब और क्या डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला, एक एक चीज इसके अंदर कोई आपको क्या बोलते हैं कि एक एक चीज आप समझेंगे तब आपको पता चल जाएगा पूरा का पूरा डिटेल्स
और पूरी की पूरी वैकेंसी के बारे में। यस देखिए उसके बाद देखेंगे। चलिए उसके बाद ये आपकी वेबसाइट ऑनलाइन के लिए फॉरम के लिए वेबसाइट, मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इसका पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल भी वो मैं नीचे आपको दे दूंगा, आप आराम से पढ़ लीजिए। इम्प्लॉयमेंट आप पढ़कर आपको फॉरम भरना है। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? यस आपका 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक फॉरम भरना है। 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर आपकी फॉरम आपको भरना है। लॉगिन करना है, सबमिट करना है, यस बाकी कुछ भी नहीं करना है। फोटो आपका ब्लैक ग्राउंड होना चाहिए, नॉर्मल फोटो होना चाहिए, और इसके बाद में आप फॉर्म भर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज आप मुझे कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए कि सर ये मुझे फॉर्म भरना है, इसके लिए क्या क्या सुविधा है, क्या क्या नहीं चाहिए, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और ये बार कोड के साथ आप अप्लाई भी कर सकते हैं, बार कोड है इसके साथ आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो अपडेट है ना आप सभी के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये पूरी विज्ञप्ति है इंडियन नेवी के हिसाब से, इंडियन नेवी के हिसाब से पूरा का पूरा है आप सभी के लिए। तो वैकेंसी अच्छी है, फॉरम अच्छे, आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे हैं आप सभी के लिए, तो आप फॉर्म भरीजिए। और कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों बनना है इंडियन नेवी, क्या बनना है? इंडियन नेवी सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।